त्योहार अपने पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी, 20, 30, 40 या फिर 50 प्लस। तो जमा फैंस इस फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह फिल्म की 20 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और यह माहौल देख तो साफ तौर से यही लग रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन ही करेगी। और यह बॉलीवुड हंगामे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी फिल्म अपने पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। और यह फिल्म के ट्रेलर सॉन्ग्स को मैसिव रिस्पॉन्स मिला है। और इसी में यदि सब कुछ ठीक रहता है तो यह वार अपने पहले दिन 40 करोड़ या 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। और वह ऐसे में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के 52 करोड़ का कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। और वह इसी साल हॉलीवुड से आई फिल्म एवेंजर एंडगेम ने भी अपने पहले दिन 53 करोड़ का कलेक्शन आल लैंग्वेज में किया। और इसमें क्या वार ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने पहले दिन बम्पर कलेक्शन कर पाएगी। लेकिन इसके फिलहाल तो यहाँ कोई भी इस बारे में एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं लगा पा रहा है, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ये तो पक्का है कि वार अपने पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। तो यदि फैंस के रिस्पॉन्स काफी शानदार रहते हैं तो ये फिल्म 50 करोड़ भी आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ साउथ से सिरा नरसिम्हा रेड्डी आ रही है तो इसमें ये फिल्म तमिल तेलुगु में उतना कलेक्शन नहीं कर पाएगी। और यह फिल्म का कलेक्शन सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा हिंदी लैंग्वेज में ही, क्योंकि यहाँ वार को काफी बड़ी रिलीजिंग मिल रही है। साथ ही ये फिल्म वेनेसडे को आ रही है और यह फिल्म को काफी बढ़िया हॉलीडे भी मिल रहा है। तो इसमें माहौल एकदम जमा हुआ है, अब बस फिल्म के रिलीज होने की देरी है। तो इसमें वार अपने पहले दिन एक बड़ा कलेक्शन करेगी, पर इसमें आपको क्या लगता है वार अपने पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।